गुड मॉर्निंग एमएम थर्ड सेम स्टूडेंट्स। फोटोशॉप के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले पेंट बकेट टूल। तो ये पेंट बकेट टूल करता क्या है? द पेंट बकेट टूल फिल्स एन एरिया ऑफ एन इमेज बेस्ड ऑन कलर सिमिलरिटी। तो ये एक ऐसा टूल होता है जिस पिक्सल को मैंने क्लिक किया अपने माउस कर्सर से, उस पिक्सल का मान लो कलर जो है ऑरेंज है ना, तो वही कलर वाले पिक्सल को ही ये फील करता है ना। एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, फोटोशॉप ओपन किया, अभी देखिए ये फोटो है, ठीक है। और यहाँ पर ये फोरग्राउंड कलर आपको क्या दिख रहा है? ग्रीन दिख रहा है। और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ये मान लो इस पॉइंट को क्लिक करता हूँ, तो जो जो पिक्सल वाइट होंगे वो सारे पिक्सल को ये फील कर देगा ग्रीन से। यहाँ पर का पिक्सल कलर क्या है? आपको वाइट है, तो वो वाइट वाइट पिक्सल को वो फिल कर देगा किससे? ग्रीन से। मान के चलो यहाँ मैं स्किन यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये पिक्सल इस जो क्लिक्ड पिक्सल यहाँ पर जो क्लिक कर रहा हूँ उसका कलर जो है ना, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो दिख रहा है आपको। अब असल में मैंने क्या, टॉलरेंस को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। टॉलरेंस को मैं कर देता हूँ 50, तो आप देख सकते हैं टॉलरेंस को बढ़ाया तो क्या करता है, ज़्यादा एरिया में ढूंढता है कि ये कलर में कौन कौन से पिक्सल हैं करके। तो ये एक ऐसा फिलिंग टूल है, पेंट बकेट टूल, जो पिक्सल के कलर के आधार पर फिलिंग करता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं इसका टॉलरेंस कर देता हूँ थोड़ा सा कम, लाइक 20% कर देता हूँ। देखिएगा ना, टॉलरेंस को मैं 3 कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर क्लिक मैं करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट के कलर के हिसाब से जो जो पिक्सल हैं उन्हीं उन्हीं को फिल किया, आप देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर वही वही कलर का पिक्सल मिलेगा, यहाँ पर भी वही कलर का। अब मान लो इसको मैं टॉलरेंस को बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, मैं इसको कंट्रोल सेट कर लेता हूँ, कंट्रोल अल्ट सेट। अगर मैं टॉलरेंस को थोड़ा बढ़ाता हूँ सपोज 50%, तो ये ज़्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज़ है। और बेसिकली आप बैकग्राउंड फिलिंग वगैरह कुछ करना है तो उस पर्पज़ से आप इस बकेट टूल का, या किसी पर्टिकुलर एरिया को पिक्सल के कलर के सिमिलरिटी के आधार पर यदि फिलिंग करना है तो इस बकेट टूल का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। पेंट बकेट टूल, बैकग्राउंड ग्रीन बनाना है, ग्रीन बना दिया, ठीक है। तो ये तो था इसकी थ्योरी, आगे देखते हैं। तो आप टूल बॉक्स में देख सकते हैं, है ना, आप ग्रेडियंट टूल के ही उस पैकेज में ये पाया जाता है, पेंट बकेट टूल। नेक्स्ट देखते हैं इसके सारे प्रॉपर्टीज़, ठीक है। पेंट बकेट टूल प्रॉपर्टीज़, तो फिल वाला प्रॉपर्टी है आपका, तो आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये फिल प्रॉपर्टी, यहाँ फॉरग्राउंड और पैटर्न, तो दो चीज़ दो ऑप्शन दिया रहता है। तो इसमें होता क्या है, अगर देख लीजिए ना एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग फोटोशॉप में, ये आपका है, ठीक है। अगर मैंने फोरग्राउंड किया है तो यहाँ फिलिंग होगी फोरग्राउंड कलर ग्रीन का, और यदि मैंने यहाँ पर फिल स्टाइल में पैटर्न डाला है ना, ये पैटर्न है, यहाँ पर आपको ये पैटर्न है, तो अगर आप पैटर्न की फिलिंग होगी तो ये फिल है ना, फिल के दो ऑप्शंस, ठीक। एक तो फॉरग्राउंड कलर करेंगे तो ये यहाँ पर जो फॉरग्राउंड कलर है, सपोज़ मैं इसको कुछ और कर लेता हूँ, येलो कर लेता हूँ, ठीक है, तो येलो कलर की फिलिंग होगी। और यदि आप यहाँ पैटर्न करते हो तो ये फिल प्रॉपर्टी है भाई, है ना। पैटर्न कलर को ऑन करके अगर आप यहाँ पर जो भी आपका डिज़ायर्ड पैटर्न है वो आप सेलेक्ट करते हैं तो वो पैटर्न की फिलिंग होगी। फिर अगला है मोड, द सेम ब्लेंडिंग मोड्स फाउंड इन मेनी अदर टूल्स इंक्लूडिंग नॉर्मल डिजॉल्व लाइट एंड डार्क एक्सेट्रा। तो अगर इफेक्ट डालना है आपको, लाइक डिजॉल्व इफेक्ट, लाइट एंड इफेक्ट, डार्क इफेक्ट डालना है आपके फीलिंग में, तो उस पर्पज़ से ये मोड प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। ओपेसिटी, ओपेसिटी हमने कई बार डिस्कस किया है कि क्या होता है, अगर मैं ओपेसिटी को लोअर करता हूँ तो वो फीका फीलिंग होता है, और यदि ओपेसिटी को मैं हाई करता हूँ तो डार्क फीलिंग होता है। इसको भी एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, कंट्रोल अल्ट जेड, ठीक है। मैं यहाँ पर फॉरग्राउंड
ऑप्शन फॉरग्राउंड कलर को फिल करना चाहता हूँ। ओपेसिटी 100% है तो ऐसा फीलिंग होगा, और ओपेसिटी को मैं कम कर देता हूँ, लाइक सपोज मैं 10 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फीका येलो है, ओपेसिटी को और मैं बढ़ाता हूँ सपोज 50 कर देता हूँ, तो थोड़ा सा और डार्कनेस बढ़ा। ओपेसिटी को मैं थोड़ा, अब देखिएगा इसको मैं मैक्सिमम 100 कर देता हूँ, तो आप एकदम डार्क येलो बन रहा है। ये ओपेसिटी है, डार्कनेस से रिलेटेड है। और ये टॉलरेंस है, अभी मैंने टॉलरेंस के बारे में आप लोगों को बताया। टॉलरेंस का क्या होता है, एरिया से है ना, एरिया से रिलेशन होता है। जैसे कि मैं टॉलरेंस को यदि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सपोज 3 कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि बहुत कम एरिया वो फिलिंग के लिए चूज़ कर रहा है। अगर मैं टॉलरेंस को सपोज 100% कर देता हूँ है ना, तो अब आप देखिए बहुत सारा एरिया फिलिंग के लिए वो चूज़ कर रहा है, मतलब ले रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक कंटिन्यूस प्रॉपर्टी है, ठीक है, देखिएगा इसको मैं कर देता हूँ 5% में, तो आप देख पाएंगे कि ये इस साइड भी और इस साइड भी, जहाँ जहाँ पर मुझे वो कलर का पिक्सल मिलेगा तो वो उसको सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और मान लो कंटिन्यूस प्रॉपर्टी को मैं ऑन कर देता हूँ, तो वो क्या करेगा, सिर्फ जो पिक्सल से जुड़े हुए कंटिन्यूस लगातार जो पिक्सल्स होंगे उसी कलर के, वो उसी उसी में फिलिंग करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, एंटी एलियास, मेक स्मूदर एजेस बाई ब्लेंडिंग ग्रेजुअली विथ एडजॉइनिंग पिक्सल। अगर एंटी एलियास प्रॉपर्टी है, कौन सी, ये वाली है ना एंटी एलियास, इसको मैं अगर चेक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, तो क्या होगा, स्मूदर फिलिंग होगा है ना, स्मूदर एजेस होगा, स्मूदर फिलिंग होगा, ठीक। और फिर हम लोग देखते हैं एक और प्रॉपर्टी है कंटिग्यूअस वाली, वो बताता हूँ मैं नीचे। ऑल लेयर्स, ऑल लेयर्स करके प्रॉपर्टी है, व्हेन यूजिंग मल्टीपल लेयर्स ऑल लेयर्स आर यूज टू क्रिएट द फिल। अगर मान लो किसी हमारा कोई इमेज है, हम जिसको प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें मल्टीपल लेयर्स हैं, अगर मैं ऑल लेयर्स को सेलेक्ट कर देता हूँ तो फिलिंग जो है सारे लेयर्स में होगी। अगला देख लेते हैं, कंटिग्यूअस फिल करके एक ऑप्शन है, तो इसमें क्या होता है, व्हेन बता, इसको बता तो दियो मैं आप लोगों को, फोटोशॉप, ठीक है, बता ही दिया हूँ कंटिग्यूअस वाला ऑप्शन आप लोगों को, ठीक। अगर कंटिग्यूअस है तो सिर्फ उससे जुड़े हुए पिक्सल्स की फिलिंग होगी, और यदि मान लो कंटिग्यूअस ऑप्शन नहीं है, है ना, आपका ऑप्शन ऑन नहीं है, तो जहाँ जहाँ पर वो कलर मिलेंगे उसकी फिलिंग होगी। तो आज हमने देखा टॉलरेंस बता ही दिया है ना, एरिया से रिलेटेड हो सकता है, ये इमेज आप देख सकते हैं, अगर टॉलरेंस 16 किया तो ओनली इतना एरिया सेलेक्ट होगा, अगर टॉलरेंस को 64 किया ये आपका ज़्यादा एरिया कवर करेगा फिलिंग करने के लिए, और ये वैल्यू आप 0 से लेकर के 255 तक सेट कर सकते हो। सो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।